लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। बहन जी नमस्कार। साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम जी कीर्ति है। मैं मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली हूँ। बहन जी परम संत संत रामपाल जी महाराज शरणमाने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हमारे घर में जी दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की पूजाएं होती रहती थी। मेरे दादाजी आर्य समाज जी थे तो हमारे घर में अक्सर लगभग हफ्ते में एक बार हवन भी हुआ करता था। मैं भी उस हवन में बैठा करती थी और मुझे हवन करना बहुत अच्छा भी लगा करता था। इसके अलावा शिव जी के व्रत वगैरह भी मैं रखा करती थी। तो बहन जी जो आप भक्ति करते थे और जैसे हवन यज्ञ भी आप करते थे आर्य समाज से आपके दादाजी जो बिलोंग करते थे उस सबको आपको क्या लाभ मिलता था? ऐसा कुछ खास लाभ तो नहीं था बल्कि मेरी बहन काफ़ी बीमार रहने लग गई थी और मैंने व्रत स्पेशली उसके लिए भी रखे थे बट मुझे नहीं लगा वो व्रत रखने के बाद भी पूरा पूरा दिन भूखा रहने के बाद भी मेरी बहन के ऊपर कोई भी असर हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ा करता था। बहन जी आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? मुझे मेरे हस्बैंड गुरदीप ने गुरुजी के बारे में बताया। जब उन्होंने गुरुजी से नाम लिया तो उसके बाद वो सारा दिन बस गुरुजी के बारे में ही बात किया करते थे। गुरुजी ये कहते हैं ये चीज़ ये है गीता में ये है वेदों में ये है। मुझे शुरू शुरू में तो बहुत बुरा लगा करता था कि सारा दिन बस एक ही चीज़ ऐसा है क्या। फिर मैंने उनसे ज्ञान गंगा पुस्तक ली मैंने वो बुक खुद पूरी पढ़ी। बुक पढ़ के मुझे लगा मतलब हम जो कर रहे हैं ये सब चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं पर हो सकता है कि इन्होंने बातों को अपने हिसाब से काट छाँट के लिख रखा हो। वो सब चीज़ें जानने के लिए मैंने स्पेशली वो एक 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 चीज़ पढ़ी। जो जो पुस्तक गुरु जी की थी मैंने वो सारी बुक्स भी पढ़ी। इसके अलावा मेरे नाना जी को गीता वर्बली याद है मैं स्पेशली उनसे मिलने ऋषिकेश गई। मैंने उनको कहा भी आप मुझे गीता सारी पढ़ाओ। मेरी मम्मा खुद संस्कृत में एमए है मैंने एक वर्ड का मीनिंग अपनी मम्मी से समझा। उसके बाद जाके मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये जो लिख रखा है ये जो नॉर्मल ट्रेंड हम लोग चला रहे हैं वो सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट और ये बुक्स क्या है बिल्कुल डिफरेंट रही है। ये तो वही हिसाब हुई कि बुक में लिख रखा है कि दो दुनी चार है और हम सब दो दुनी पाँच करके पढ़ रहे हैं और सब याद भी कर रहे हैं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस तरह करते करते मेरे मन में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क आते थे रोज़ एक नया सवाल रोज़ एक नया जवाब। पर सच तो था वो हर चीज़ों का जवाब होता ही है। एक लिमिट आई फाइनली जब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा बल्कि मैं तो यहाँ तक अड़ गई थी कि जहाँ जब मैं पहले खुद ही कहा करती थी कि हाँ ये जो ओम है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बहुत ऊपर है बट एक बार मैं खुद ही अड़ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो मरते नहीं हैं। तब मेरे पति ने मुझे दिखाया कि दुर्गा पुराण में लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही की मृत्यु हो जाती है और दुर्गा है जो वो उनकी माता है कि माता तुम तो अमर हो। उसके बाद मेरे मन में पक्का यकीन हो गया कि नहीं नहीं ये भी मरते हैं और वाकई ओम इनसे ऊपर है और तो जो परमात्मा जो गुरुजी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कि जो कबीर साहब हैं जो सतपुरुष हैं वो इन सबके पिता हैं वो जरूर सही होगा। उसके बाद मेरे मन में यकीन आ गया और मैंने आश्रम आके गुरुजी से नाम ले लिया। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी की शरण में आई थी तो यकीन तो हो गया था क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। जब आप कोई चीज़ अपनी आंखों से देख लेते हो ना तो शक नहीं रहता बट मन फिर भी काल का घर है तो यकीन आने के बावजूद भी आपका मन टिकता नहीं है। मतलब जैसे अगर एक मंदिर जाने वाले बंदे को कह दिया जाए ना कि तू रोज देवी के वहाँ पर एक घंटा लेट आ रहा है तो वो लेट जाएगा लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि नहीं वो परमात्मा आ गए तो उनको दंडवत कर ले तो उसका मन इतनी ईजीली झुकता नहीं है। सेम चीज़ मेरे साथ थी मैंने नाम तो ले लिया मुझे यकीन भी हो गया कि गुरु जी बिल्कुल सच कहते हैं लेकिन वो जो गुरु और परमात्मा के बीच का डिफरेंस है वो अभी भी था। मैं गुरुजी को गुरु ही मान रही थी परमात्मा नहीं। फिर शादी के बाद मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हुई। मैंने डॉक्टर को विजिट किया और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरे को कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोई बहुत 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 ज़्यादा रोई तो मन खराब हो रहा था तो भगत जी ने ऐसे ही सत्संग चला लिया। उसमें प्रकरण जो आया गुरुजी मतलब शायद मेरे लिए ही बैठ के वहाँ सत्संग कर रहे थे। गुरुजी ने ये कहा कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को कहा था कि मैं तुझे वृद्धावस्था में भी बालक दूंगा तो मतलब मेरे मन में ये आ गया कि मुझे भी बच्चा मिल सकता है। भगत जी ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से प्रार्थना लगा लेना। मेरे मन में ये आ गया कि मैं प्रार्थना क्यों लगाऊं जब मैं सिमरन करती हूँ तो परमात्मा मुझे अपने आप मेरी मनचाही चीज़ देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ डेढ़ महीने बाद मैं फिर से बीमार रहने लग गई जलन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी बदले फ़र्क नहीं पड़ा और फाइनली 10 एक दिन में मुझे ये पता चल गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे लिए वो बहुत 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 ज़्यादा खुशी वाली बात थी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ जैसे कि सब कहते हैं कि हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन और कैल्शियम डॉक्टर नॉर्मली प्रेस्क्राइब करते हैं। मेरे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी गोली खाना तो दूर गोली भी नहीं देखने को मन करता था। मैंने तो मतलब मैं यकीन के साथ ये चीज़ कह रही हूँ परमात्मा बैठे हैं उन्होंने बहुत 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 अपना हाथ मेरे सिर पर रख रखा है।
मैंने आयरन की 10 गोलियां भी नहीं खाई होंगी और मेरा बेटा बिल्कुल हेल्दी 3 किलो का हुआ था। मेरा 9th मंथ में जब डॉक्टर ने फाइनली अल्ट्रासाउंड किया तो बेबी का वेट सिर्फ 2 किलो था और डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपका बेबी तो बहुत पीछे चल रहा है और 2 किलो का बच्चा 9th मंथ हो गया, कभी भी डिलीवरी हो जाएगी, भी बच्चा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। परमात्मा की ऐसी दया रही, मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी बहू हमारी ठीक नहीं रहती, तो परमात्मा ने कहा था कोई ना माई तेरे को पोता देंगे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बात तब तो नहीं बताई, उसके बाद मैंने खुद गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, परमात्मा कहते कोई ना बेटा परमात्मा बैठे हैं सिमरन करो। अपने आप ही बच्चे का वेट 1 महीने के अंदर अंदर 2 किलो से 3 किलो हो गया और मेरी डिलीवरी 10th मंथ के 4th डे में हुई है। नहीं तो जनरली सब कह देते हैं कि हाँ 9th मंथ में डिलीवरी हो जाएगी, परमात्मा ने तब तक वो नहीं हुआ जब तक कि बच्चा प्रॉपर हेल्दी और ठीक नहीं हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। जिस दिन मेरा बेटा हुआ उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, बस मेरे को यही था कि हाय परमात्मा 5 मिनट नींद आ जाए, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। और वो 5 मिनट की नींद में ही मुझे सतलोक दिखाई दिया, परमात्मा श्वेत गुंबद के नीचे बैठे हुए हैं, सफ़ेद रंग का सिंहासन था और सोने की सीढ़ियाँ थी, वहाँ से एक पक्षी नीचे उतर के आया और हमारे घर पौधों के बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ मुझे खुद दिखाई दिया। इसके अलावा परमात्मा ने और भी मेरा हमेशा बहुत साथ दिया है। मुझे लास्ट ईयर सिस्ट हो गई थी और डॉक्टर ने, मैंने कई डॉक्टर्स बदल के टैबलेट्स वगैरह लेनी शुरू करी बट मुझे कोई फ़र्क सा नहीं पड़ रहा था, मतलब मैं टैबलेट ले लेती थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हम कैमरा डाल के देखते हैं कितनी दिक्कत है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हमने आश्रम फ़ोन करके पाठ के लिए कहा और डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी और मैंने वो टैबलेट खाई, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और वो मेरी जो सिस्ट थी वो सिर्फ दवाई से ही डिजॉल्व होकर निकल गई। और डॉक्टर हर 15 दिन में मुझे पूछ लेती थी तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। परमात्मा ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी दिक्कत के बावजूद दर्द, मतलब इससे ज़्यादा दर्द तो वैसे ही मैं थकावट के मारे टांगों में हो जाता होगा, मुझे दर्द क्या होता है पता भी नहीं चला। वो डॉक्टर भी हैरान रहती है कि पेट में सिस्ट हो, दवाई से वो हो रहा है और इसको बिल्कुल दर्द नहीं है, वो दवाइयों का दर्द का पता है, एज इट इज़ पड़ा है, मैंने उसमें से एक गोली भी नहीं खाई। अभी मई में हम करौथा आश्रम गए हुए थे, करौथा आश्रम से जैसे ही हम सुबह वापस आए तो आके जैसे ही मैं लेटी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, इतने ज़्यादा चक्कर आने लगे कि मैं गर्दन भी हिलाती थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मैं कैसे खड़ी हूँ, बिल्कुल लाचारों वाली हालत हो रही थी मेरी। और मेरी मुझे नींद आ गई, नींद में यहीं बरवाला आश्रम में मैं खड़ी हूँ, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं और मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई परमात्मा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, उसके बाद जैसे ही मैं उठी मैं बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर उसके 2-3 घंटे के बाद शाम को मैं और मेरे पति सोनीपत से बरवाला एक्टिवा पे आए, नहीं तो जो बंदी सुबह अपना सर भी सीधा नहीं कर पा रही थी वो बंदी इतनी दूर तक एक्टिवा पे ट्रैवल करके आई है। परमात्मा ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत 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 ज़्यादा। बहन जी, परम संत संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं आपको काफ़ी लाभ मिला, तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी भक्तों को ये कहूँगी कि हमारा जन्म एक ही बार होता है, अपने भोजन का इंतज़ाम या रहने का इंतज़ाम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य जन्म मिलने का फ़ायदा क्या? हम हमेशा कह देते हैं कि हाँ इंसान बने हैं, इंसान बने हैं, हम अपने बुढ़ापे के लिए इतनी प्लानिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है, पर हम अपने बुढ़ापे के बाद जो अगले आने वाला जीवन है उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। सब कह देते हैं कि ठीक है इंसान का जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो, हम भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्म तो भक्ति ही है और भक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर एक बार हम मनुष्य जीवन छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या पता अगले जन्म में हम क्या बन के उत्पन्न हो, इतने करोड़ों जन्मों के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, हमें अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और मुक्ति भी ऐसे नहीं, ऐसे संत से जो कि तुम्हें वाकई मुक्ति का रास्ता बता सके, और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो हमें मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि बाकी सब गुरु कह देते हैं परमात्मा एक है, एक रटी रटाई बात है कि परमात्मा एक है, आज तक कोई ये चीज़ प्रूव करके नहीं दिखा सका। गुरु जी हमारे सबके, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो, सब में से पढ़कर बताते हैं कि परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कबीर साहब हैं, विद प्रूफ दिखाते हैं, और बाकी सब गुरु वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं बता सकते, गुरुजी वो रास्ता बताते हैं और इस चीज़ की गारंटी भी लेते हैं कि मेरे बच्चों में तुम्हें पार करके ही दिखाऊंगा। इसीलिए मेरी सब भक्तों से ये प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला में आए, गुरुजी से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। आप सब खुद पढ़े लिखे हैं, आप सब जान सकते हैं, आप कंपेयर करो चीज़ें, खुद देखो मेरे कहे पे क्यों जाते हो, आप पढ़ो गुरुजी जो बता रहे हैं वो सब सारी बातें अपने अपने गुरुओं से पूछ के देख लीजिए, वो अगर आपको वो सच लगता है तो आप यहाँ जरूर आइए। थैंक यू सो मच।